अब विश्वविद्यालयों में देवी देवता साधु संत बसेंगे और अब विश्वविद्यालयों में भी आपको घंटा बजने और पाठ होने की आवाजें सुनाई देंगी। अब आप पुस्तकों का ज्ञान नहीं आध्यात्मिक किताबों का ज्ञान अर्जित करेंगे और देखते ही देखते देश आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया है जिसके हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रवि कांत ने एक डिबेट में ज्ञानव्यापी मामले और साधु संत को लेकर एक प्रतिक्रिया दे डाली है। अब इससे नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। प्रदर्शन का विरोध इतना बढ़ गया कि अब एबीवीपी छात्र डॉक्टर रवि कांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक करने लगे। इसके बाद एबीवीपी छात्रों ने विभाग का घेराव तक कर डाला। इस दौरान शिक्षक विभाग से चले गए। इसके बाद प्रॉक्टर ऑफिस का भी घेराव किया गया और जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाए जाने लगे। यहां तक कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं की प्रॉक्टर और पुलिस से तीखी नोकझोंक तक हो गई। उसके बाद भी बवाल किया गया और इस मुद्दे को तूल दी गई। वहीं जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इतना हुड़दंग मचा दिया और बवाल काट दिया तो उसके बाद सोचिए टीचर को आखिर झुकना पड़ा। प्रोफेसर रवि कांत ने सफाई तक दे डाली और कहा कि अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगते हैं। आखिर छात्रों की जीत हुई, मगर मामला यही नहीं थमता। ये मामला आग की तरह और बढ़ता जाता है क्योंकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षक से माफी तो मंगवा ली लेकिन छात्र अब प्रोफेसर रवि कांत की बर्खास्तगी पर अड़ चुके हैं। अब साथ ही आपको ये सुनकर भी अजीब लगेगा कि इस पर शिक्षकों ने भी नाराजगी जताई है कि प्रोफेसर रवि कांत इस तरह के देवी देवता साधु संतों के लिए ऐसा नहीं कह सकते और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या शिक्षक भी अपनी भूमिका भूल चुके हैं? क्या सब भगवा हो चुका है? चाहे शिक्षक हो या प्रशासन हो, सभी का लहू रंग भगवा हो गया है। क्या विश्वविद्यालयों में धार्मिक नारे और पाठ होना सही है? क्या विश्वविद्यालयों में इस तरह का कृत्य सही है? आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, आखिर आपके बच्चों का क्या भविष्य है, पूजा पाठ या फिर शिक्षा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनहित आवाज। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।